अकरम जी, बेगम साहब नाश्ता रेडी है? जी बेगम, छोटे भाई का नाश्ता तैयार है, टेबल पर लगा दिए कमरे में। मैं बताती हूँ। अकरम भाई, साइम का नाश्ता आप कर लीजिएगा क्योंकि अम्मा ने उनके लिए पराठे बनाए। अरे कैसे हवा के घोड़े पर दंद दनाती हुई आई हूँ, मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही यहाँ पे। ना सलाम ना दुआ, इस घर में सिर्फ साइम रहता है। सॉरी दाई जान, मैं अभी आपको सलाम ही करने वाली थी। सॉरी की बच्ची, साइम अपने बाबा के साथ एक मीटिंग में जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, वो नाश्ता शायद नहीं करेगा। नहीं नहीं, आज टाइम है। हाय, बाबा की कॉल नहीं है? मुझे आ गई थी, मीटिंग कैंसिल हो गई, मैं फ्री हूँ आज। भूख भी बहुत लग रही है। पराठे बने? कीमे के पराठे। कीमे के? तो चलो ना खाते हैं, अब आए चलो। ये ज़ैनब भी ना सिर्फ तुम्हें ही मजे मजे के पराठे खिलाती हैं, मुझे तो कभी इनवाइट नहीं किया। शिकवा करूंगी मैं उनसे। क्यों नहीं करती इनवाइट, क्यों नहीं करती? वो आप लोग ऐसी चीजें खाते नहीं है ना ताईजान, लेकिन अगर आपको खाने तो मैं अभी गर्मा गर्म पराठे लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मुझे नहीं खाने, मैं तो बस मजाक कर रही थी। साइम, गर्मा गर्म पराठे खाकर फौरन अपने बाबा के पास चले जाना, फजूल की बातों में लगकर टाइम मत जाया करना अपना। जी चलें, गर्म गर्म पराठे खाते, बहुत भूख लग रही है। अच्छा वो पराठे बना दिए चाची जान ने। क्या पराठे बना दिए चाची जान भी? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जान, आप ऑफिस नहीं गए, खैरियत? अरे यार कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत नहीं ठीक, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे बेटा तुम्हें पता है ना कि इनके बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, उसकी वजह से बस ये परेशान है और टेंशन लेते हैं, इस वजह से बीपी हाई रहता है। चाचा जान, ये कोई टेंशन लेने वाली बात है, अल्लाह सब बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा फिर भी आप कल तैयार रहिएगा, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारे। तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है, हमें तो महसूस ही नहीं होता कि हमारा कोई बेटा नहीं। हाँ क्योंकि सारी अहमियत तो साइम के लिए है, जैसे मैं तो आपकी औलाद ही नहीं। चलो चलो, वैसे इतना जेलिस क्यों होते हैं? और ये बात सच है कि मैं चाचा जान का बेटा हूँ और तुमसे ज्यादा अहम हूँ। मैं कोई जेलिस नहीं होती माँ, मैंने आज मोमना की तरफ जाना। मोमना की तरफ क्यों? गॉसिप्स करने, महीने भर की गॉसिप्स करनी होंगी ना, एग्जाम में टाइम नहीं मिला। हम कोई गॉसिप नहीं करते माँ, प्रैक्टिकल के लिए जाना है। ठीक है मैं छोड़ दूंगा, मुझे फरिया अभी को लेने भी जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, चला जाऊँ। अरे हाँ हाँ साहब ठीक कर रहे बेटे। लेकिन बाबा, चल जाओ अपना जाके बैग तैयार करो, अपना प्रैक्टिकल जर्नल देख लो। ठीक है, जब तक मैं साइम को अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। वैसे ये चाय ठंडी हो गई होगी? ठंडी मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाती हूँ, आपको कुछ चाहिए? अरे हाँ मेरे लिए भी लेकर आओ, मैं भी साइम के साथ खा लूंगा एक पराठा। तुमको बहाना चाहिए पराठे खाने का। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, क्या कर रहे हैं? अरे तू है ना मेरे साथ, सब खैर है। ये बात तो ठीक है, मैं हूं ना। आ जाओ भाई, खाओ खाओ खाओ। क्या बात है, घूर क्या रहे हो? घूर नहीं रहा, देख रहा हूँ मोहब्बत से। क्या है ना, तुम जैसी लड़की प्यारी सी साथ में और अपनी सी, मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें पता है मैं इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाती। किस लिए? क्योंकि तुम बहुत उल्टी सीधी बातें करते हो।
उल्टी कहाँ, तो सीधी बात करने का दिल करता है। कौन सी सीधी बात? यही कि अम्मी पापा को बोलूं कि अब चाचा जान के पास चले जाएं, रिश्ता लेने, शादी की डेट फिक्स करें, बस बहुत हो गया। मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं हायर स्टडीज के लिए। तुम जा रहे हो? कब? जब तुम सच्चे दिल से मोहब्बत का इकरार कर लो और हमारी शादी हो जाएगी, तब साथ ही चलेंगे। अच्छा, वो तुम शाम को पिक करने मत आना मुझे, मैं मोमना के साथ आ जाऊंगी, उसके साथ मैंने मार्केट भी जाना है। पहले सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया, दूसरे सवाल का जवाब मम्मी पापा चाचा जान से ले लेंगे। चलिए। सुनो, मोमिना की तरफ से मैं ही पिक करूंगा, उसके साथ आने की जरूरत नहीं। भाभी, चाय आप बहुत अच्छी बनाती हैं। एक्चुअली मैं आई थी, शाम को फरीहा आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि डिनर पे आप लोग भी आ जाएं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ ना, मैं भी बहुत खुश हूँ। एक्चुअली फरीहा कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी, फराज माशाल्लाह से दुबई जा रहा है। अरे वाह, ये तो हमारे घर में फिर से रौनक लग जाएगी। आपको याद है फरिया के रिश्ते को लेकर मैं कितनी परेशान थी, आपने मुझे एक वजीफा बताया था करने को, वो मैंने वजीफा किया तो खुदा ने मेरी सुन ली, उस वजीफे की बदौलत खुदा ने मुझे फराज जैसा दामाद दिया, इतना अच्छा दामाद, मैं जितना खुदा का शुक्र अदा करूं उतना कम है भाई साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी, आप रिदा के लिए ये वजीफा क्यों नहीं करते? अल्लाह आपकी भी सुनेगा, घर बैठे अच्छा रिश्ता आ जाएगा। वैसे अगर कहें तो मेरी एक दोस्त है, वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है, मैं अपनी रिदा के लिए बात कर सकती हूँ? भाभी वो, चले भाभी हम शाम को इंशाल्लाह आएंगे तो फिर खाने पर बातें होंगी। जी भाई साहब, रात के खाने पर आपने सिर्फ एक बात करनी है, साइम को मनाना है अपने अब्रॉड जाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा यहाँ के चक्रों में पड़कर अपना मुस्तकबिल जाया कर ले। जी जरूर। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, रात को मिलते हैं। जी भाभी। आपने सुना भाभी जाते जाते क्या कह गई है? हाँ, समझ तो मुझे भी आ रही है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं भाई से खुद बात करूंगा। क्या आप बात करेंगे? जावेद, हम बेटी वाले हैं, हम अपने मुंह से कैसे रिश्ते की बात कर सकते हैं? अरे हम बेटी वाले हैं तो बेटा भी तो हमारा ही है, और फिर इतना हक तो है मेरा अपने भाई और भतीजे पर। देखो सनम, जब घर में रिश्ते मौजूद हो ना तो फिर बाहर देखने की जरूरत नहीं है।
आपने शायद गौर से सुना नहीं, वो अपनी दोस्त के बेटे का इशारा देकर गई हैं, अपने बेटे का नहीं। मैं आपकी तरह खुशफहम नहीं जो कोई आस लगाए बैठी रहूं। जब तक भाईजन अपना कोई फैसला दे नहीं देते तो मैं अपनी बेटी के बारे में किसी और के रिश्ते का सोच भी नहीं सकता। अल्लाह करे कि भाईजान आपकी उम्मीदों को कायम रखें, वरना अगर भाईजान ने कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पता नहीं तुम क्या सोचती रहती हो जनाब, वो भाई है मेरा, मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगा। जाओ जाकर खाना लेकर, ऐसे ही खाम खा मुझे परेशान करती रहती। आपको बड़ी मोहब्बत है ना अपने भाई से, इसलिए मेरी बातें कड़वी लग रही हैं। अल्लाह करे आपका ये मान हमेशा कायम रहे। इंशाल्लाह। रिदा, हमने अंडे तो लिए ही नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम इसका बिल करवाओ, मैं अंडे लेकर आती हूँ। सॉरी, मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं। अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को, जहाँ लड़की देखी फौरन अंधे हो जाते हैं। इडियट। चलो। जब अचानक खूबसूरत लड़की सामने आए ना तो बंदे को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है बंदा। रिलैक्स हो जाए यार, ये यार ये आना जरा साफ करना। चलो वो ब्रेड वगैरह ले ले अपने। चलो तुम्हारी नजरों में हमेशा शको शुबात क्यों होते मेरे लिए? रिदा तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि अल्लाह ने सिर्फ हमें एक दूसरे के लिए बनाया? वो सब ठीक है साहब, लेकिन मैं इस तरह सबसे छुपकर आपसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। ओके ठीक है, बस सोच लो, सोच लो, अगर तुमने इसको अपने आप से जुदा किया ना तो मुझे लगेगा तुम किसी और को पसंद करती हो। मैं किसी और को नहीं पसंद करती। सच? मुझे पसंद करती है। मैंने अपने तरीके से तुम्हें प्रपोज कर दी, तब आके तुम्हारी मर्जी। इसको अपने आप से जुदा नहीं करोगी तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है। कल अम्मी पापा आएंगे, चाचा जान से बात करेंगे और फिर चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझ
से मेरी इल्तिजा है यही रब से तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा मेरे खुदा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको कुछ पता भी है बात कहां तक पहुंच गई है? किसकी बात? मामा यार साइम और रिदा की बात करी और किसकी बात? क्या किया उन्होंने? अभी साइम ने मेरे साथ गोल्ड की रिंग परचेज की और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये रिंग रिदा को देने गए। नहीं बेटा मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरा बेटा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरे बगैर कैसे कर सकता है? चले आपकी ये खुशफहमी भी अभी थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। वो कैसे? आप मेरे आने की खुशी में चाचा चाची को डिनर पे इनवाइट कर लें। बेटा उन्हें डिनर पर तो मैं पहले ही इनवाइट करके आ चुकी हूँ। तो ठीक है ना, अभी चाचा डिनर पे आएंगे तो देख लीजिएगा कि वो रिंग रिदा के हाथ में है या नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो कुछ दिन रहने के लिए हमारे पास आ गई। बाबा आप मुझे मिस कर रहे थे? बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर तो मुझे इस घर में जैसे कोई रौनक नजर ही नहीं आती। मेरा बस चले ना बेटा, कभी भी मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। इसका मतलब है आप सिर्फ फरिया आप ही से मोहब्बत करते हैं ना? मुझे तो कोई मोहब्बत ही नहीं करता, कोई पसंद ही नहीं करता, इसलिए सब खुद से दूर भेजना चाहते हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे आज तो फरिया बेटी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। कैसा मेरा बेटा, अपने घर में खुश तो हो ना? जी अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए। मेरा बच्चे कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं जी, आपकी? अरे रिता बेटी कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बैठो बेटा बैठो। अरे बेटा तुम अपने घर में सदा खुश रहो, आबाद रहो। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम्हारे जैसा ससुराल अल्लाह हर बेटी को दे। आमीन। चाची ये कौन सा मुश्किल काम है? आप कहें तो मैं रिदा को अपने ससुराल ले जाती हूँ। वो आजकल हम अपने देवर के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर लगा दी आप लोगों ने। चलिए जल्दी से आए, खाना ठंडा हो जाएगा। मैं इतनी देर से आप लोगों का ही इंतजार कर करके किचन में गई। जल्दी से आ जाइए डाइनिंग पर। आइए जी जी, आइए। चले बेटा आइए, आ जाए। Thank you.
आजा। रिदा बेटा तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, जाओ तुम चाय बनाओ, मैं भी आती हूँ। मुझे पूरा यकीन था भाभी आपकी और जावेद भाई की बात ये कभी नहीं टालेगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बेहतरीन मुस्तकबिल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो आप सबने घेर लिया है ना मुझे आज, और मुझे खुद से दूर करने का वादा किया और खुश हो रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, हकीकत तो यह है कि हम में से कोई भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालदेन को दूर रहना पड़ता है। ठीक कहा आपने। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है मुझे मुल्क बदर करने का तो मैं क्या कह सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है पापा, वो शर्त पूरी होगी तभी जाऊंगा, आपको याद है ना आज आपने प्रॉमिस किया था। हाँ भाई याद है मुझे, तुम मुझसे कोई डील करने वाले हो। डील? कौन सी डील? अरे अरे कुछ नहीं भाई, बाप बेटे की आपस की बात है, आपको भी बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आप मेहमानों का मुंह मीठा करवाइए, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई, बेटा जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, जाए मुंह मीठा करवाइए सबका। अभी मैं मीठा लेकर आती हूँ, मुझे लगता है रिदा ने चाय भी बना ली होगी, अभी आए। साहिम जी देखो बेटा ये 2 साल यूं गुजर जाएंगे और तुम डिग्री लेके वापस भी आ जाओगे। 2 साल चाचा जान, चल देखते। आज तो कसम से मैं इतनी खुश हूँ जिसके इंतहा नहीं है। एक बार साइम अपनी स्टडी कंप्लीट करके अमेरिका से वापस आ जाए तो मैं तो उसकी फौरन से पहले शादी कर दूंगी। दादी बनने का बहुत शौक है मुझे, मेरा भी दिल चाहता है मेरे घर में रौनक हो। बड़ी खूबसूरत रिंग पहनी हुई है, कहाँ से ली? साइम ने तो नहीं दी? यकीनन साइम ने दी होगी, इतनी खूबसूरत चॉइस तो साइम की ही हो सकती है। देखो बुरा मत मनाना, चाहे लड़का घर का हो या बाहर का, मुझे तोहफे तहाइफ नहीं देते। तुम तो अच्छी बच्ची हो, खानदानी हो, तुझे ये तवक्का नहीं थी। बुरा मत मनाना, बेटी समझती हूँ इसलिए समझा रही हूँ। और सुनो, अगर तुमने जाने अनजाने में साइम से शादी के कोई ख्वाब अगर अपनी आंखों में सजा ली है तो मेरी जान उन्हें सिर्फ ख्वाब समझकर भूल जाना। What a run, what a run that!
यार आज तो थक गए। आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आपको याद है ना मैंने कहा था कि एक शर्त है मेरी, वो पूरी होगी तभी जाऊंगा मैं। आई सी। लेकिन बेटा अभी तक तुमने मुझे वो बात तो बताई नहीं कि तुम मुझसे क्या मनवाना चाहते हो। आई वॉन्ट टू मैं शादी करना चाहता हूँ अमेरिका जाने से पहले, तो यही बात है। आई सी। तो क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जी। अच्छा तो फिर जल्दी से अपने पापा को उस लड़की का नाम भी बता दो। रिदा। पापा मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ और यही मेरी शर्त है, उससे शादी होगी तभी अमेरिका जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा पापा। रिदा। जी एग्जैक्टली रिदा। और कौन रिदा? तो तुम भी रिदा को ही पसंद करते हो। देखो बेटा इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, मेरी भी बरसों से ये ख्वाहिश थी कि रिदा बेटी इस घर की बहू बने, और देखो सो लकी कि तुम भी उसे पसंद करते हो। एंड सो हैप्पी। यस। एक कंसर्न है छोटा सा। वो क्या बेटा? शायद मामा और फरिया अभी दे माइट से नो। तो फॉरगेट अबाउट इट माय डियर सन। तुम रिदा को पसंद करते हो, मैं चाहता हूं वो इस घर की बहू बने, दैट्स इट। मैं खुद ही तुम्हारी मामा से बात कर लूंगा, डोंट वरी। चल इट। रियली? हाँ चलाओ जूस पीते हैं चल के, कम ऑन हरी अप। भई आज तो मैं रिदा के हाथ के पराठे खाने आई। मैं आपके लिए अभी गरम गरम पराठे लेकर आती हूँ। रिदा की कुकिंग तो फर्स्ट क्लास, मेरी तरफ से तो 100%। थैंक यू फरिया आपी। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल की तरफ से भी 100%। बेटा क्या मतलब है तुम्हारे ससुराल वालों? मेरा मतलब है तुम्हारे ससुराल वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। चची वो रात मैंने आपसे जिक्र किया तो था, राज के कजन है मुआज भाई, बहुत अच्छा लड़का है और उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरी, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं रिदा को अपने ससुराल ही लेके जाऊं। मैं एक मिनट आई। रिदा की शादी आपके ससुराल पे? मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, और आता आपने ही तो कहा था अल्लाह मेरे जैसा ससुराल हर लड़की को दे। लेकिन बेटा भी रिदा ने अपनी पढ़ाई खत्म नहीं की है। तो स्टडी का क्या है? अब देखे ना साइम भी तो स्टडी के लिए जा रहा है, लेकिन मम्मा उसके जाने से पहले ही उसकी एंगेजमेंट भी कर देंगे। साइम की एंगेजमेंट कहाँ? चची मेरे ससुराल में ही लड़की है, मुझे और मम्मा को पर्सनली बहुत पसंद है, बस हम उसी के लिए साइम का प्रपोजल दे रहे हैं, बस अब दुआ करें रिश्ता हो जाए। बल्कि मैं तो चाहती हूँ साइम और रिदा दोनों का रिश्ता मेरे ससुराल में हो। अच्छा चाची अब मैं जाके आराम करती हूँ। ठीक है बेटा तुम जाके आराम करो। तो चाची मैं मौस की मामा को चाय पे इनवाइट कर लूँ? कर ही लेती हूँ। जाने अनजाने में साइम से शादी के कोई ख्वाब अगर अपनी आंखों में सजा ली है तो मेरी जान
उन्हें सिर्फ ख्वाब समझकर भूल जाना। चची, वो रात मैंने आपसे जिक्र किया तो था, राज की कजन है मुआज भाई, बहुत अच्छा लड़का है और उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरी, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं रिदा को अपने ससुराल के लेके जाऊं। आखिर ये फरिया, आप ही और ताई जान मेरे और साइम के साथ क्या करना चाहती हैं? ये दोनों क्यों नहीं चाहती हैं कि मेरे और साइम की शादी हो? क्या मुझे ये सब बातें साइम को बता देनी चाहिए?